नमस्कार सर, मैं सही है। आप देख रहे हैं बॉल क्रेजी पठान फिल्म का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो मैं देख रहा हूँ और मिड रिव्यू में देने वाला हूँ। मुझे फिल्म कैसी लगी अभी तक वो बताऊँगा। दोस्तों, पठान फिल्म अभी तक मुझे काफ़ी पसंद आई है। फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर रहा है। अगर आप मिशन इम्पॉसिबल या ऐसी कई हॉलीवुड फिल्में देखते हैं जिनमें भर भर के एक्शन होता है, तो आपको सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म पसंद आएगी। और अगर आप एक्शन फैंस या एक्शन फिल्में देखना पसंद है तो आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों, विदाउट ए डाउट। अब अच्छी और बुरी चीज़ मैं बता देता हूँ। बुरी चीज़ इसमें ना के बराबर है, अच्छी चीज़ इसमें यह है कि शाहरुख खान दीपिका द लुक डैम ग्रेट टुगेदर एज ए पेयर। दीपिका इज सो हॉट दैट आपके मुंह खुल जाएंगे, ये बात पक्की है। अब बात करते हैं जॉन की। जॉन की बॉडी फिजिक काफ़ी अच्छी है और जॉन का और शाहरुख खान का जो एक्शन सीन है फर्स्ट हाफ में वो भी काफ़ी दमदार है। अब वो जो बेशरम रंग गाना है वो फर्स्ट हाफ में ही है और उसमें वो कुछ सीन्स जिसको लेकर आपत्तियाँ थी वो हटाए गए हैं, तो फैमिली ऑडियंस जिन्हें देखनी है ये फिल्म वो ज़रूर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट हाफ में कोई किसिंग सीन ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, विच इज़ अ गुड थिंग। और फिल्म अभी तक काफ़ी पसंद आ रही, काफ़ी स्लीक है। फिल्म में ऐसी कोई चीज़ अभी तक लगा नहीं कि भाई ये 19 है या ये 20 है या ये होना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लगा। फिल्म काफ़ी ठीक है। हाँ, इमोशनल क्वेश्चन अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरह से आया नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि फिल्म काफ़ी फास्ट पेस्ड है। लेकिन इंटरवल के पहले एक ऐसा पल आता है जब आपका दिल ऐसा टूट जाता है और वो एक इमोशनल मोमेंट एक ऐसा है जो आपको बहुत बुरी तरह दिल पे लगेगा और वहाँ पे इमोशंस निकल के आते हैं। सो दीपिका पादुकोण यहाँ पे एक आईसी एजेंट की रोल निभा रही है और जो हमारे जॉनी इब्राहिम है वो जिम का रोल निभा रहे हैं, जो रॉ में थे एक टाइम पे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो देश से गद्दारी क्यों कर रहे हैं ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। शाहरुख खान पठान है जो एक अनाथ होते हैं और देश सेवा करना चाहते हैं भारत देश की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और रोमांस में शाहरुख खान का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता एंड आई एम डैम श्योर ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, अगर ये फिल्म देखनी है तो अभी तक मेरा जो ओपिनियन वो बताने वाला हूँ। फर्स्ट हाफ देखकर मुझे अभी तक पैसा वसूल लगा है, मैं इसे 3.5 स्टार दे रहा हूँ। एंड यस, सेकेंड हाफ देखने के बाद मैं अपना क्लियर रिव्यू देने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तक क्या मेरा पैसा वसूल हुआ, तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने जो पैसे डाले थे 250 के आसपास वो फिलहाल अभी तक तो वसूल हुए हैं। और अभी तक एक अच्छी स्लीक फिल्म है। शाहरुख खान इज़ डैम हॉट ब्रो, डैम हॉट। और दीपिका पादुकोण का जो अलग अलग शेड का लुक है वो तो कातिलाना है, पब्लिक को पसंद आ रहा है। थिएटर में जो बैठा हूँ उसमें जो ऑक्यूपेंसी है वो 80% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। और आप भी ये फिल्म अगर देखना चाहते हो देख सकते हैं। पूरी फिल्म देखकर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू और प्रॉपर रिव्यू दूंगा। सिर्फ हल कहते हैं उस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा।